Hello, darlings. It's showtime. Hello, friends. Welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का फैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? मैसिव डे टू फॉर कल की 2898. बहुत लोगों को लगा कि ड्रॉप इतना बड़ा होगा कि पिक्चर की समाप्ति हो जाएगी. सबसे पहले आप लोगों की ये शुरुआत जो एपिसोड की गुड न्यूज के साथ करना चाहता हूँ. द फिल्म इन द हिंदी बेल्ट इज गोइंग सुपर्ब. इतना सा इंच हिलेगी नहीं फिल्म डिस्पाइट द हेवी रेन्स गोइंग ऑन. अच्छा खासा ड्रॉप होना चाहिए था पिक्चर का, लेकिन फिल्म ने सिर्फ 5-10% का ड्रॉप जो है दिखाया है. एंड अभी गाइज रात के कलेक्शंस देखने लायक रहेंगे. इंटीरियर से किस तरह से आते हैं, देयर विल बी एब्सोल्यूट नेग्लिजिबल ड्रॉप इन द हिंदी वर्जन. ब्यूटिफुल हिंदी वर्जन इज गोइंग गुड. गल्फ कल ऑब्वियसली थर्सडे था, आज जुम्मा है, छुट्टी है. फैबुलस कलेक्शन. नॉर्थ अमेरिका इज डूइंग वंडर्स. वीकेंड आज से शुरू हुआ है एंड कल सैटरडे सबसे बेस्ट डे रहता है ओवरसीज कलेक्शंस का. एंड कल तो कलेक्शन जम मारेगा ही मारेगा. वी आर सेट फॉर अ कल्की 2898 एक्स्ट्रावागेंजा एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस. बस बने रहिए एंड जमे रहिए, क्योंकि गाइस पहले दिन 191.50 कलेक्शन जो आया है वो एब्सोल्युटली अमेजिंग है. क्यों? बहुत लोग हैं यहाँ आपको नंबर्स देंगे कल्की के. कोई बोलेगा 160 आया है, कोई 165 बोलेगा, कोई 170 बोलेगा. वो सारे के सारे लोग जो है इसके 3D ग्लास चार्जेस जो है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे लोग तो कलेक्शंस विदाउट GST रिपोर्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट इंक्लूडिंग द हायर्स. फर्स्ट डे तेलुगु फिल्म्स हायर्स इंक्लूड करती ही करती है गाइज. यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है. इसलिए मैंने सुबह के एपिसोड में आप सभी लोगों से कहा था कि ये जो कलेक्शन है इस फिल्म का कहीं ना कहीं 175 से 178 करोड़ तो कंफर्म है. बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. नेपाल का कलेक्शन जो है 3-4 करोड़ का कहीं ना कहीं से लोग बोल रहे कि आ रहा है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल नंबर्स नहीं है. 3D ग्लास चार्जेस हायर्स मिलाकर द कलेक्शन गिविन बाय वैजंती मूवीज, क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेबल प्रोडक्शन हाउस है. एंड उनके खुद के प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पर कहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि कलेक्शन कितना है आपके फिल्म का, क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ा है. हम उन लोगों में से नहीं जो कलेक्शंस के लिए फिल्म बनाते, तो उनके तरफ से कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी. वो चाहते तो आराम से 200 करोड़ का कलेक्शन जो है रिपोर्ट कर दे. एंड जितने महारथी लोग हैं जो यहाँ पर कल की कलेक्शंस बोल रहे हैं कि 165-170 आए हैं, अकॉर्डिंग टू देम, ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू देम ट्रिपल आर का कलेक्शन 223 करोड़ नहीं है, ट्रिपल आर का कलेक्शन 189 है. सारी उम्र में जोकर तो बनिया गया. ये सब लोग है ना, ये अपने अपने हिसाब से फंक्शन करते हैं लोग. इनको जो मर्जी करते हैं ये लोग वो करेंगे गाइस. यहाँ पर इनके हिसाब से बाहुबली 2 जब रिलीज हुई थी ना, ये बच्चों का पेज भी नहीं था, ये बच्चों का पोर्टल भी नहीं था, ये बच्चे शायद स्कूल में होंगे उस समय पर. अकॉर्डिंग टू देम बाहुबली 2 200 करोड़ का ओपनिंग है. राजमौली 217 करोड़ की पिक्चर का कलेक्शन 200 दे रहे. तो ये वही लोग हैं जो आपको कल की कलेक्शन 165-170 बता रहे हैं. तो आराम से बैठो तुम लोग, इनको बॉक्स ऑफिस का बी भी नहीं पता है गाइस यहाँ पर. ओके, विदाउट 3D ग्लास तो इंक्लूड करे, ये लोग कलेक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को. तो ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से अपनी जो चीजें उनको आगे बढ़ाते हैं. 191.50 कलेक्शन जो है बहुत सही तरीके से आया है. बहुत सारे लोग जो है जो ओवरसीज ट्रैकिंग करते हैं उन लोगों ने भी जो इस कलेक्शन जो है, अगर मैं आपको बोलूं तो $23 मिलियन का कलेक्शन ऑफिशियली कंफर्म किया है. एंड $23 मिलियन को रुपए में कन्वर्ट करूं तो 191.73 करोड़ का कलेक्शन आता है. यानी कलेक्शन एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट. इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरे को आप सभी लोगों का टाइम बचाना है, इसलिए फटाफट शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली डे नंबर 2 पे क्या हुआ है. एंड ये फिल्म जो है कहाँ के कलेक्शंस करने वाले. तेलुगु 2D से हम लोग गाइस आज शुरुआत करेंगे, जानने कोशिश करें क्या हो रहा है. मॉर्निंग शोज तेलुगु 2D वर्जन जो था गाइस यहाँ पर 49%, आफ्टरनून 60 एंड इवनिंग 69. कोई फिल्म जो नहीं चलने वाली है ना, बड़ी से बड़ी फिल्म दूसरे दिन खत्म हो जाती है. यहाँ पर चिरंजीवी की जितनी फिल्म आती है, चाहे वो गॉड फादर हो, एक और पिक्चर आई थी उसकी, मतलब दूसरे दिन फिनिश है पिक्चर. ये कल की बहुत आगे चलने वाली है. अरे गुंटूर कारम का लाइफ टाइम कलेक्शन कल की ने एक दिन उड़ा दिया. और वो भाई साहब बोलता है क्या, हिंदी फिल्म डोंट डिजर्व मी. अरे भाई तुम आराम से बैठो उधर,
काय को लफड़ा मांगता अपने को। बात करो हैदराबाद की तो गाइस हैदराबाद में 606 शोज में ऑक्यूपेंसी 78% ब्रिलियंट। ओके बेंगलुरु की बात करो 320 शोज में 50% ऑक्यूपेंसी है, बट वरंगल इज आउटस्टैंडिंग 36 शोज में 92%। गाइस वरंगल इज डूइंग सुपर बिजनेस। ओके बात करो गाइस यहाँ पे गुंटूर से ला लो 59 शो 68% की ऑक्यूपेंसी है। वाइजैग में 161 शो में 78%। द तेलुगु 2D वर्जन इज न्यूमरो उनो एंड द 3D वर्जन इज आउट परफॉर्म्ड। मॉर्निंग शो 38, आफ्टरनून 58 एंड गाइस बात करो इवनिंग 65%। हैदराबाद में अभी इवनिंग शोज 89% जा रहे हैं 3D में। जो है तुमको 3D में देख रहा है, IMAX में देख रहा है, दीवाना बन रहा है, चाहे वैसे राजमौली हो, प्रशांत नील हो, यश हो, हाँ सुकुमार हो, एवरी वन हैज कम इन सपोर्ट ऑफ कल्कि 2898 AD। 453 शोज हैदराबाद में। नमो बेंगलुरु 56 शोज 56% ऑक्यूपेंसी 485 शोज। बट अगेन लेट्स कम टू वरंगल 32 शोज में 88% ऑक्यूपेंसी है। गुंटूर जिला लो 34 शोज में 91% आउटस्टैंडिंग। तेलुगु वर्जन आर डूइंग रियली गुड कलेक्शन ओवर ईयर। तमिल 2D ऑक्यूपेंसी ओवरऑल बात करूं तो 35% की थी गाइज यहाँ पर। बात करते हैं गाइज तमिल 3D की तो 36% की ऑक्यूपेंसी थी। एंड अब बात करते हैं हिंदी 2D। हिंदी इज हियर टू स्टे। ये हिंदी वर्जन पे फिल्म बहुत जबरदस्त जाएगी। और सबसे अच्छी बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। अभी ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने महाभारत के बारे में पढ़ा होगा, हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं फिल्में तो हमको जानना पड़ता ही है। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु सीन कल्कि 2898 AD फिल्म देखने के बाद उनको महाभारत में क्या हुआ था ये सब जानने की रुचि जो है वो हो गई है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे जिनको अर्जुन का कैरेक्टर हो गया हो, यू नो कर्ण का कैरेक्टर हो, अश्वत्थामा कौन है, ये फिल्म देखने के बाद पीपल विल रिविजिट दैट, दे हैव डेवलप इंटरेस्ट। तो ये काफी एक अच्छा है टेक अवे फिल्म का, जो अकॉर्डिंग टू मी, पता नहीं किसी ने आपको बोला अगर नहीं बोला होगा, पीपल हु आर नॉट वेल वर्स्ड विद द महाभारत उनको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हम भी जाने एग्जैक्टली क्या ये सब चीजें हैं। ये फिल्म वो क्यूरियोसिटी जो है वो जनरेट जरूर कर रही है। बात करो हिंदी वर्जन की, मॉर्निंग 13, आफ्टरनून 27 एंड इवनिंग 35। बिंगो, चिप्स खाएंगे क्या भाई? अरे सर आप कहाँ हो, आप तो हीरो कल्कि के। थैंक्स आप पार्टी दे दो यार, सर पार्टी आप दो सर, आपको तो हीरो बना दिए कल्कि का, हम ही हीरो है भाई, प्रभास को मारे पकड़ के सर, जाने दो छोड़ो, अभी क्या बोलूं सर, कल मिलता हूँ, ठीक है भाई कंटिन्यू कीजिए। मुंबई की बात करूं 388 शोज है 2D में एंड ऑक्यूपेंसी इज 25%। दिल्ली NCR लुक एट द ऑक्यूपेंसी 550 शोज में 50%, फिल्म इज डूइंग रियली गुड देयर। पुणे की बात करूं गाइस 182 शोज में 37, बैंगलोर 49, हैदराबाद 35, कोलकाता 26, अहमदाबाद अरे बाप 18% खत्म, सूरत 15%। कल से थोड़ा कम कलेक्शन आने वाला है हिंदी में, जिस रियली गुड 3D वर्जन, मॉर्निंग 16, आफ्टरनून 32 एंड इवनिंग 43। कल्कि 2898 AD, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मुंबई में 609 शोज में 33% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो दिल्ली NCR की 615 शोज में 48, पुणे 41, हैदराबाद 60, अहमदाबाद 3D शोज में जलसा चाले से 19% ऑक्यूपेंसी, सूरत में 14% ऑक्यूपेंसी, जयपुर 45, चंडीगढ़ 42, ब्रिलियंट स्टफ। इसी के साथ अब प्रेडिक्शन देने की बारी आ गई है। हिंदी में मुझे लगता है फिल्म 19 से 20 करोड़ रुपए कमाएगी। सुबह बता कर गया, अबे सुबह बताकर चला गया था 19 से 20 करोड़ आने वाला है। 920 करोड़ कमाएगी डे नंबर 1, 22.50, डे नंबर 2 कहीं ना कहीं 19, ये फिल्म नहीं करके तो 41 से 42 करोड़ दो दिन में कमा लेगी। सैटरडे कल सबसे बड़ा टेंशन है इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैच का। कल बारिश हुई तो कलेक्शन थोड़ा और अच्छा आ सकता है, वरना कल भी उम्मीद करके चल सकते हैं एटलीस्ट 25 करोड़ का कलेक्शन आए। एंड संडे ये फिल्म 30 करोड़ कमाने की कोशिश नहीं करेगी, कमा के देगी। हिंदी बेल्ट में वर्ड ऑफ माउथ फायर है मेरा भाई, सिंगल स्क्रीन में फायर है वर्ड ऑफ माउथ। 55 करोड़ रुपीज हो जाएगा, यानी कि 25 सैटरडे पकड़ लो, 30 संडे पकड़ लो, यानी कि 55 करोड़ और ऐड कर लूं। कल्कि 2898 AD कहीं ना कहीं 4 दिन में हिंदी वर्जन में 95-96 करोड़ कमा लेगी ना, और मंडे 10 करोड़। हिट वर्डिक्ट इन द हिंदी वर्जन, टेक इट सीरियसली,
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हो जाएगा हिंदी वर्जन के लिए, बाकी मेहनत इसको साउथ के स्टेट्स में जो है यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पर इसके साउथ के कलेक्शंस कितने आएंगे, तो ऐसा लग रहा है गाइज यहाँ पर अगर हिंदी का नेट मिला लूं एंड साउथ का मिला लूं, साउथ से कलेक्शंस देखिए गाइज ऑनेस्टली बोल रहा हूँ 32 to 33 crore नेट कलेक्शन आएगा। उसमें मैं 20 करोड़ ऐड कर दूं यहाँ पर इसके हिंदी वर्जन, तो 52 से 53 करोड़ का नेट कलेक्शन आएगा आज। उसका ग्रॉस होगा कहीं ना कहीं 64 टू 65 करोड़ रुपीस, ओके 64 से 65 करोड़ पकड़ लिए। ओके नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो 17 करोड़ रुपए तो आना ही आना है यहाँ से। गल्फ में छुट्टी है, 5 करोड़ आएगा, तो 22 करोड़ मेरे पास यहीं पर है। कैसे भी ओवरसीज इसको अपना नंबर 30 टू 35 करोड़ जो पहुंचाना है, मुझे ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वाइड दूसरे दिन 95 टू 100 करोड़ इज कमिंग। एंड कल जो पोस्टर है कहीं ना कहीं 291 से 292 करोड़ जो है आता हुआ दिखाई देगा। आई मीन वेरी रीजनेबल, मैं यहाँ पे कोई बड़ा चढ़ा के बताने वाला नहीं हूँ, कुछ तो चीजें होने वाली है वही आपको बताऊंगा। एंड कुछ चीजें हैं आप सभी लोगों के लिए बचा के रखा हूँ, जो मैं तड़प रहा हूँ भाई बताने के लिए आप लोगों को, तो वो बता दूं फटाफट, उसके बाद एपिसोड जो है समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो बीइंग देयर वॉचिंग। देखो 10 मिनट के वीडियोस कोई देखता है नहीं है, आई एम वेरी लकी आई हैव दैट ऑडियंस विथ मी हु सिट्स एंड वॉचेस यू नो बॉक्स ऑफिस फॉर 11 टू 12 मिनट्स। आई एम ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू गाइस। आपको लगता होगा मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, मेरे दिल में हर व्यूअर के लिए इज्जत है जो इतना वक्त देता है मेरे कीमती समय निकाल के वीडियोस को, एंड मैं ऐसा तुम लोग कभी जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगा। बात करूं गाइज यहाँ पर अब इसके कलेक्शंस की, तो गाइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बुक माई शो पे पिछले एक घंटे में 76,000 टिकट जो है बिक चुकी है। प्रभास इज द एक्टर जिसके पास दो फिल्में हैं, यू नो 100 प्लस करोड़ के ऊपर की ओपनिंग ली है। एक तो ट्रिपल आर थी, एक KGF 2 थी, एक बाहुबली 2 थी, एंड अब गाइज यहाँ पर देन कल्कि 2898 AD जो हो गया है। टॉप 10 ओपनिंग जो है इंडिया में उसमें 5 जो है प्रभास की है, तो बिगेस्ट ब्रांड इज नन अदर प्रभास, नो डाउट अबाउट दैट। गल्फ की बात करूं गाइज तो बाहुबली, साहो, सलार एंड अब कल्कि जो है, कल ऑब्वियस थर्सडे था, बाकी की फिल्में जुम्मा को रिलीज होती है, तो सारी की सारी पिक्चरें जो है वो प्रभास की है। उसके बाद एक ट्रिपल आर, उसके बाद आदि पुरुष है, टोटल डोमिनेशन बाय रिबेल स्टार इन द गल्फ कंट्रीज। एंड जो डे 2 है नॉर्थ अमेरिका में ब्यूटीफुली स्टार्ट हुआ है, आराम से $2 million जो है नॉर्थ अमेरिका में करने वाला। इतना ही नहीं, केरला एंड तमिलनाडु और ऑल्सो डूइंग सुपर बिजनेस फॉर कल्कि 2898 AD गाइज यहाँ पर, एंड ऐसा लग रहा है कि आज भी ये फाड़ेगा। टेक्सस ने, सिर्फ टेक्सस ने 9.5 crore का ग्रॉस कलेक्शन किया है, विच इज इक्वल टू एनी अदर एरिया इन AP एंड तेलंगाना। जस्ट इमेजिन गाइज टेक्सस एरिया कितना स्ट्रांग इमर्ज होकर आया गाइज यहाँ पे। ऑब्वियसली टिकट प्राइसेस जो है हाई रखी गई है गाइज यहाँ पर, लेकिन फिर भी कलेक्शंस करना इस समय में एक बहुत बड़ी बात जो है दिखाई दे रहा है। पहले दिन थर्सडे को नॉन हॉलीडे थी, सेमीफाइनल थी, डब्ड वर्जन था, बारिश हो रही थी, और 10 रीजन बता सकता हूँ। डिस्पाइट ऑल दैट इस फिल्म ने 22.5 crore की ओपनिंग ली। ना ईद, दिवाली, क्रिसमस था, ना बड़े प्रमोशंस थे, कुछ भी नहीं था। डिस्पाइट दैट ऑर्गेनिकली इसने कलेक्शन किया है। बात करूं गाइस यहाँ पर केरला बॉक्स ऑफिस की, दूसरा दिन बहुत ही मजबूत है यहाँ पर, ऑलरेडी पहले दिन का नंबर जो है क्रॉस करते हुए गाइस ये फिल्म ने दिखा दिया है गाइस यहाँ पर। लेट्स सी गाइस, केरला में तो ये फिल्म ऑलमोस्ट हिट कंफर्म हो चुकी है, बाप लेवल कलेक्शन ये फिल्म जो है कर रही है। एंड गाइस देखने लायक ये रहेगा कि आने वाले समय में एक किस तरह से और कलेक्शन जो है ओवरसीज में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप मैंने सारी की सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर सेव करके रखी थी आप सभी लोगों को बता दिया होगा। यस आई थिंक आई हैव सेड एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड टू से, एंड इसी के साथ एपिसोड समाप्त करता हूँ। सब लोग को जाने को कहता हूँ, जाओ एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड नाइट एंड स्लीप वेल। ठीक है, इसी नोट पे एपिसोड समाप्त करते हैं। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से कूल मैन, गुड नाइट।